हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इतने दिन बाद, काफ़ी दिनों के बाद कुछ बारिश हुई, मौसम में चेंज आया है, मौसम एकदम से बदल गया। तो देखिए, मेरे गार्डन में भी ग्रीनरी दिखने लगी है। देखिए, आसमान में बादल अभी भी कुछ कुछ दिख रहे हैं। दोपहर में बारिश हुई, खूब अच्छी बारिश हुई। तो देखिए, इतनी देर में सब में कितना चेंज आ गया। अब आज मैं इस वीडियो में आपसे अपना गार्डन वर्क शेयर करूंगी। देखिए, मेरे कोचिया के प्लांट कितने अच्छे हरे भरे हो गए हैं। कि जो ये मेरे गुड़हल की, ये देखिए, ब्रांचेज लगी हो गई हैं। इनको मैं जो है हटा दूंगी, इनको कट कर दूंगी। बारिश में फिर से इसमें न्यू ब्रांचेज आ जाएंगी और फ्लावर खिलने लगेंगे। देखिए, पर्पल कलर वाला, देखिए कितनी बढ़िया कलियाँ आई हैं, लेकिन धूप के मारे सब खिल नहीं पा रहे थे। और मैं ये मधुमालती की भी कटिंग करूंगी, क्योंकि इसमें अब फ्लावरिंग एक दो गुच्छे आई और फ्लावरिंग हो ही नहीं गई, और ब्रांचेज इतनी लंबी लंबी हो गई हैं। ये टिकोमा के साथ भी यही करूंगी। और ये जो मेरी सीडलिंग तैयार हुई है कुछ वफ़द की, इनको मैं अब आज नहीं कल शिफ्ट करूंगी। एक दिन में एक ही काम हो पाता, ज़्यादा काम कर नहीं मिलता। आज मैं केवल गुड़हल पर ही वर्क करूंगी, ये सब कटिंग करूंगी। इतने में देखिए इनकी कैसे हो गई हैं, इनकी दशा देखिए, इसमें कहाँ फ्लावरिंग होगी। इनको हमें कटिंग करने के बाद भी विशेष ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तब इसमें फ्लावरिंग होगी। और ये देखिए, ये सब फ्लावर खिल रहे हैं। जो कुछ फ्लावर हैं थोड़े बहुत, वो तो खिल ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हुई है गुड़हल की। देखिए, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। देखिए, जितनी भी इनकी पतली पतली ब्रांचेस थी, सब मैंने पूरे प्लांट को साफ कर दिया है। ये जो ब्रांचेस हैं, इनको बिल्कुल निकाल दीजिए, ये बिना मतलब एनर्जी लेती रहती हैं और इनमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो फ्रेंड, इस तरह से लोग सोचते हैं, जैसे हम लोग फरवरी में कटिंग करते हैं, वैसे ही सीजन में भी कर देंगे तो भी इसमें न्यू ब्रांचेज आएंगी और फ्लावरिंग होगी। मैं तो हर बार कर देती हूँ। और मतलब प्रूनिंग करने का ये फ़ायदा, हार्ड प्रूनिंग ना करें लेकिन सेमी हार्ड कर दें, क्योंकि जो है इसको जब न्यू ब्रांचेज आएंगे तभी इसमें फ्लावरिंग होगी, और न्यू ब्रांचेज ज़रूर आएंगी निश्चित। मैं 15 दिन बाद आपसे इनकी ग्रोथ शेयर करूंगी। इस तरह से मैं सारे अपने गुड़हल के प्लांटेड जो हैं उनको करूंगी, और फिर आपसे इनकी ग्रोथ शेयर करूंगी। और प्रूनिंग का सबसे बड़ा मतलब एडवांटेज ये होता है कि हमारा प्लांट एक हाइट में और एक सेफ में हो जाता है। नहीं तो कोई ब्रांच इधर जा रही, कोई उधर जा रही, कोई बड़ी है, कोई छोटी है। और इस तरह से जब हम बराबर से प्रूनिंग कर देते हैं तो जो ब्रांचेज एक साथ निकलती हैं वो एक साथ एक हाइट में होती हैं। इसका मेन एडवांटेज ये होता है, इसलिए मैंने कर दिया है। अब इसी तरह से मैं सब करूंगी और उसके बाद कुछ दिन बाद आपसे रिजल्ट शेयर करूंगी। धन्यवाद फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर फ्रेंड्स।